Hey guys, welcome back to my channel. So, अभी हम प्रेजेंटली घर में हैं, तो घर का ब्लॉगिंग कुछ दिनों के लिए आएगा. तो कल हम तेजू से वापस आए हम लोग एग्ज़ाम के बाद. सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ में काफ़ी बारिश गिरा है हम लोग का. यहाँ मौसम भी बहुत ही ख़राब है. बारिश तो इतना कंटिन्यू दे रहा है कि पूरा फ्लड आ जाएगा लग रहा है. उसके अभी 2-3 दिन के बाद तो हमारा खेती भी शुरू हो जाएगा, तो हम लोग खेती जाना होगा. खेती के लिए वैसे अच्छा है कि बारिश गिर रहा है, मैं तो पानी नहीं होना था. तो कंटिन्यू करते हैं मेरे ब्लॉग्स. तो हम लोग का घर जो बहुत अंधेरा हो रहा है क्योंकि करंट जो बारिश होने का कारण ख़राब हो गया. बस्ती में तो है लेकिन हम लोग का घर में नहीं है. सो हियर्स आर सम बर्तन जो मुझे धोना है. ला ये कबूतर या क्या घुस गया कौड़ी के दाना में. छिर कबूतर जो गौड़ी का दाना में घुस के बैठा हुआ था. और ये सब है बर्तन, मुझे धोना पड़ेगा. करंट तो है नहीं, तो अभी हमको जनरेटर ऑन करके मुझे बर्तन धोना होगा, पानी भरना होगा. उसके बाद आप लोग देख सकते हो यह सुपारी लोग है, सुपारी ये सुपारी लोग को भी उठाना पड़ेगा. हवा का वजह से भी गिर गया, बारिश का वजह से. उसका सुपारी लोग थोड़ा मैच्योर हो गया ना, तो मैच्योर होने के बाद खुद ब खुद गच्ची से नीचे आ ही जाता है. थोड़ा बारिश होने के बाद सुपारी भी उठाना पड़ेगा. लेकिन बारिश तो रुक ही नहीं रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. और वो कबूतर क्या हो गया, पूरा भीग भीग के दुखना है जैसा. उसका पार्टनर भी कहीं चला गया होगा. हम देखिए काफ़ी बारिश हो रहा है. तो शुरू करते हैं मेरे बर्तन थाली धोना. उसके बाद क्या करूँ, खाना बनाती हूँ. मुझे ये सब में पानी भरना पड़ेगा क्योंकि कल से करंट नहीं था तो ये सब खाली हो गया. सबका सब खाली हो गया. तो अभी हम ये सब में पानी भरेगा, उसके बाद बर्तन धोएगा. अब मुझे करना होगा ऑन, अब मुझे करना होगा, खींचना होगा इसे. ये क्या है, तो मेरा जनरेटर ऑन हो चुका है. अभी मुझे जल्दी जल्दी काम करना होगा, नहीं तो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, फिर मेरे लिए ही दिक्कत होगा. सो मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ. ये पानी भी निकलना शुरू हो गया, अब मुझे जल्दी से पानी भरना होगा. ला ऑफ हो गया. व्हाट हैपेंड, तो गाइस जनरेटर ऑन किया था तो ये खुद ऑफ क्यों हो गया. इसको मुझे यहाँ तक लाना था और मैंने लेके नहीं आया अपने. और एक बार ऑन हो गया ऑन. सो दोबारा पानी, तो मुझे जल्दी से क्या हो रहा है गाइस, मेरे जनरेटर में ख़राबी आ गया क्या, खुद खुद ऑफ हो रहा है. पेट्रोल तो भरा था. सो गाइस हम लोग करंट बनाने आए हैं. हम लोग का घर में करंट नहीं है. यहाँ में मेरा पड़ोसन और मेरा मामा पड़ोसन हम लोग बनाने आए हैं. तार तो यहाँ ऐसे गिरा हुआ है. तो मामा जाओ बनाओ, यहाँ क्या कर रहा है. जाओ मैं टेस्टिंग करने जा रहा हूँ. मैं लाइनमैन मिस्त्री हूँ. मिस्त्री है. जब ये तीनों को शॉट मारेगा तभी हम चप्पल मारेगा, वरना मैं दूर ही खड़ा करूंगा. नेक्स्ट डे गाइस आज का दिन देखिए थोड़ा बारिश रुक गया. कल का दिन पूरा कंटिन्यू था और आज भी 3 बजे तक तो गया, उसका मैं ठीक हो गया. सो अभी हम और मेरी मम्मी खेती जा रहा है. और पूरा देखिए हम लोग रेस्टोरेंट पर पानी फ्लैट आ गया. यहाँ ना और दिन बारिश गिरने से हमें मछली आता है. हमें देखिए पानी भर गया ये जगह. देखिए सब ये पानी को क्रॉस कर गया. अभी मेरे को जाना होगा खेत पे क्योंकि अभी धान का सीजन है, तो धान लगाने वाला हम लोग का.
तो इससे अभी हम पानी को देखने जा रहे हैं। ज़्यादा पानी होगा तो लगान से डूब जाएगा ना, इसलिए थोड़ा देखिए अगर पानी कम है तो लगाने वाला है धान। तो मुझे संभाल के चलना होगा, इस जगह के अंदर फिसल खा के गिर जाएगा। देखिए यहाँ मछली ले रहा है, यहाँ से मछली आता है और नाला ये बच्चा लोग मछली उठा रहे। देखिए ये इतने छोटे छोटे मछली, बस्ते के बच्चा लोग ये लोग मछली ढूंढ रहे हैं। गाइस हम खेती पहुंच गया, अभी खेती में काफ़ी हवा दे रहा है और यहाँ हम कद्दू लगाया था, कद्दू में काफ़ी जंगल हो गया। उस दिन भी सफ़ा किया था तो थोड़ा सफ़ा था, अभी बारिश के लिए तो वाह ज़्यादा जंगल हो, जंगल ही जंगल, जंगल जंगल जंगल। और अब मेरे मम्मी तोड़ रहे हैं कद्दू का पत्ता, और ये वह कद्दू का पत्ता वो तोड़ रहे हैं। कद्दू तो अभी तक तो नहीं निकला है, थोड़े दिनों बाद निकलेगा होगा, आगे तो फूल भी निकला है। सारा ये कद्दू बगान में से बस अभी तक एक ही है निकला, छोटा मोटा सा फूल खेल के अब निकल ही रहा है, पता नहीं ये भी बचेगा कि वहाँ एक छोटा सा। और ये लोग तो अभी भी छोटा ही है, छोटा मोटा कद्दू का बगान। और हम लोग ना ये खेत में वो भी मिलता है केकड़ा, लाल वाला केकड़ा मिलता है, जब ज़्यादा बारिश देता है वो केकड़ा भी खुद खुद घूमते रहता है यहाँ पर। अभी करेंटली वेदर आप लोग देख सकता है ऐसे, बारिश तो आ ही जाएगा होगा अभी थोड़ी देर बाद। ये देखिए यहाँ है तजमी नॉट प्लान, एक बार मेरे दोस्त ने कहा था कि जो पापी है उसका हाथ से टच करने से मुरझा जाएगा, लेकिन जो पापी नहीं है वो छूने से भी नहीं मुरझाएगा। पहले तो लेट्स टेक चेक इट। मैं तो पापी निकला बे, पापी निकला मैं तो, मैं हूँ पापी, मैं पापी बन गया। और मेरा मम्मी का वहाँ है देखिए, वो जंगल भी ठीक से उठा रहा है गौरी के लिए, अपने गौरी रोक ले। तो अभी हम लोग थोड़ा आगे जाएगा, आप लोगों को दिखाएगा हम लोग का खेती में कितना पानी भर चुका है, अभी मैं दिखा दी हूँ आप लोगों को। हम सोच रहा था कि बनाना का चिप्स बना के खाएगा, लेकिन हम लोग का बनाना कच्चे में तो बनाना ही नहीं है। बड़े दुख हुआ, दुख हुआ। ये देखिए ना ये बनाना ग्रुप पार्टी में तो एक भी बनाना दिख ही नहीं रहा है, क्यों कभी निकलने वाला नहीं दिखते हैं लोग, बनाना तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो लेके चलेगा आप मेरे खेती पे, जहाँ धान लगाने वाला है। ओ वेट 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 वेट, मैं दिखा रही हूँ, ये आप लोग झंडा देख रहा होगा, यहाँ से लाल केकड़ा निकलता है, लेकिन हमको अभी डर लगता है सांप का फुटा भी हो सकता है, तो मैं उसे कुछ नहीं करूँगी, खेत। अब देखिए वहाँ है उधर, वो दिख रहा है ना वो जगह है जहाँ हम लोग धान लगाने वाला। ये देखिए अभी सामने से देख लीजिए, अभी हमारा खेती ये थोड़े दिन के बाद में पूरा धान धान हो जाएगा। देखिए पानी आ गया, अब धान लगाने का समय आ गया। वो है खोटिया और ये है जहाँ लगाने वाला है। एक समय था यहाँ में ना हम लोग ऐसे लाठी मार मार के वो किया था धान लगाया था, कौन सा समय था अभी तो भूल गया। एक समय था जब थोड़ा भी बारिश नहीं आता तब को बहुत ही मेहनत किए थे हम। ठीक है सर देखते हैं और एक बार, ये हम लोग का खोटिया जो हम लोग लगाने वाला है इस जगह पर। तो ये कल से या तो परसों से उठाने लग जाएगा, घर जा रहा है क्योंकि बारिश भी आ गया, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सो मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।